से चलते आ रहा था बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा बॉलिंग हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ लड़कियाँ सामने आई और अब कुछ जाके उसमें परसेंटेज कम हुआ। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ सामने आई हैं, हाँ, तो आपको नहीं लगता कि महिलाओं को भी सम्मान से जीने का हक है? नहीं, मैं कुछ और कहना चाहूँगी, नहीं एग्री, बट जो लड़कियाँ सामने आई हैं वो कौन है, कौन है वो लड़के? वही लड़कियाँ हैं जो घर पे बैठी हुई हैं, ये वही लड़कियाँ जिनके पास कोई काम नहीं था? मुझे आप एक लड़की ऐसी बता दो जो अभी सामने आई है, जो एक्चुअली ए लेवल पे काम कर रही है। ये वही लड़कियाँ हैं जो या तो मोतीलाल नगर में कैटलॉग कर रही हैं, या एक लड़की जो सुभाष घई पर ब्लेम कर रही है जिसने जीवन में कुछ नहीं किया, तनुश्री दत्ता का नाम इन्होंने लिया इसलिए मैं नाम लूँगी, 10 साल से वो कहाँ थी? जो बाकी लड़कियाँ ब्लेम कर रही हैं वो कहाँ है? अचानक से 10 साल बाद कर आप क्यों इंडस्ट्री को बदनाम कर रही हो? नहीं थी आपको, जिस समय प्रॉब्लम हुई थी उस समय आपको एक्शन लेना चाहिए था। किसी के साथ रेप होता है वो इमीडिएटली सेकंड डे जाके पुलिस के पास जाता है, केस करता है, एक्शन लेता है, कि 10 साल बाद वो सोचता है, विचारता है, अरे नहीं यार ये आदमी अच्छा काम कर रहा है, मुझे उस पर केस कर देना चाहिए। क्यों ए क्लास आर्टिस्ट जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो ये एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? मी टू के आने से कमियां आई हैं? कमियां? कोई कमियां नहीं आई। मुझे किस तरह की कमियां आप बोल रहे हैं? मतलब सोशल क्यों हो रहा है, उसका परसेंटेज कम हुआ है? आपको पक्का पता है कम हो गया है? ये बोल रहे हैं कम हो गया है तो मैं मान लेती हूँ कम हो गया है। इनको कैसे पता? हाँ, इनको कैसे पता? वही है, बट मैं अच्छी बात है अगर कम हो गया है, वेरी हैप्पी, ये है। इन अ होप ऑफ गेटिंग समथिंग गुड और व्हाटएवर होप्स द पीपल गिव यू, यू मे टेक अ रॉन्ग स्टेप और चूज समथिंग व्हिच मे लीड टू यू इन अ टर्मोइल ऑफ वेरियस थिंग्स। रेस्ट आई वुड विश ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबॉडी हियर। थैंक यू सो मच।